किसके सदके में है? बुजुर्ग। बोलिए ना भाई, ये जबान भी हुजूर के सदके में है। किसके सदके में है? बुजुर्ग। हुजूर के सदके में। तो हुजूर के लिए बोलना है इंशाअल्लाह। बोलेंगे इंशाअल्लाह। यार हम वो दीवाने हैं जो हुजूर के लिए तो अपनी गर्दन भी कटा सकते हैं, है ना। तो फिर बोलना तो बहुत छोटी सी चीज है। और मैं भी मुसलसल सफर में हूँ। दुआ करें अल्लाह ताला इस सफर के तमाम सोबतों से परवरदिगार मेरी हिफाजत फरमाए। थोड़ी देर तक इंशाल्लाह हम लोग हुजूर का जिक्र करेंगे और बहुत ही अदब के साथ इंशाल्लाह करेंगे। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा हो हंगामा, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही सुकून और इत्मीनान के साथ नात अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मुझे खुलूस और मोहब्बत के साथ अच्छा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आपको अच्छा सुनने की तौफीक अता फरमाए। तो बहुत सुकून और इत्मीनान से इंशाल्लाह बैठे हैं। माइक तो बहुत अच्छा है हमारे। कहाँ हैं इकबाल भाई? इधर बैठे हैं। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा बज रहा है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत अच्छा बज रहा है। दिल लग रहा है, दिल लग रहा है। और इसको अच्छा बजाइए, क्योंकि मुसलसल सफर की वजह से, रोज पढ़ने की वजह से थोड़ी सी आवाज शुरू में थकी हुई सी लगती है। मुझे भी लगती है, आपको भी लगेगी। लेकिन इंशाल्लाह जब थोड़ी देर हम और आप साथ में रह लेंगे तो वो जहां हमको जाना है और जहां आपको जाना है हम लोग इंशाल्लाह साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह। आइए जरा जी लगाइए और हम सब मिलकर इंशाल्लाह हम सब मिलकर हुजूर की बारगाह में दिल की अथाह गहराइयों से दुरूद शरीफ मिलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मिलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हुजूर की बारगाह में जो मकबूल दुरूद पाते हैं वो इंशाल्लाह मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और अगर आपको याद हो तो मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए मौला सल्लम सल्लम दाइम ये कसीदा बोधा शरीफ है। मुफ्ती साहब खुला बैठा है, इनसे पूछिए आप, ये हुजूर की बारगाह में मकबूल है? हुजूर की बारगाह में तो याद है तो जरा दिल से पढ़िए। सही तो नहीं
आता है तो कैसे कटाओगे जब जबान नहीं खुलती आपकी? जरा दिल से पढ़ो ना। अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा खूबसूरत बहाना हो गया है कि दुरूद पाक भी हमने हुजूर की बारगाह में पढ़ लिया और इमाम बुसीरी का तसीदा भी पढ़ लिया और सरकारे आला हजरत का भी तसीदा हमने पढ़ लिया है। ये बड़ा खूबसूरत सा बहाना मैंने तलाशा है। अल्लाह करिए करिए मेरी जिंदगी भर के लिए शामिल रहे। अब हम लोग इंशाल्लाह हुजूर का जिक्र करेंगे। यार ये फोन वाकई बहुत खराब चीज है। हजरत जो बयान फरमा रहे थे बताओ, रात में भी घर से फोन आने लगता है, घर वालों को भी मालूम है कि बंदा प्रोग्राम में, फिर भी फोन। हाँ सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा। अपने बड़ों के मशवरों पर अमल करना बहुत जरूरी है। लीजिए हमने दोनों फोन में जहाज उड़ा दिया है ना, है ना, है ना। अच्छा, दिल लग रहा है आपका, 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 आपका। बताइए भाई, दिल लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। एक बार जरा हाथों को उठा के कहते सुबह सुबह। नहीं, अभी सबके हाथ नहीं। देखो मैं बहुत ज्यादा बात भी नहीं करता और बहुत ज्यादा हंगामे भी पसंद नहीं करता, लेकिन इतनी संजीदगी भी ना रहे आपके अंदर या फिर बंदा कब्रिस्तान में चला जाएगा आपको क्यों सुनाए, तो इतनी संजीदगी भी ना रहे, जिंदा लोगों में बैठे कब्रिस्तान कहीं और है बगल में पीछे। बताओ फिर जिंदे और मुर्दे दोनों सुन रहे हैं आज की मैच की मैच की बड़ी बात है। अल्लाह सबकी मफ़रत फरमाए इस जिक्र की बरकत से। अल्लाह इस कब्रिस्तान में जाने भी अपने मोमिन भाई 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 दफ्न है, अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए। हुजूर के अब एक कलाम मैं पेश करने जा रहा हूँ, इसकी रदीफ है या रसूल अल्लाह। क्या है? क्या है या रसूल अल्लाह? यार ये बात ना जरा बुलंद आवाज से बोला करो। आपको बता दें मुफ्ती साहब कुल्ला की मौजूदगी है, हुजूर सैयद साहब कुल्ला बैठे हैं। ये या रसूल अल्लाह जो कहने की बात है ना, ये अल्लाह का शुक्र है कि ये सिर्फ सुन्नियों के हिस्से में है, ये सिर्फ सिर्फ सुन्नियों के हिस्से में है। जरा जितने दिल वाले लोग हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हो, जरा एक बार अपने हाथों को अल्लाह उन हाथों को किसी का मोहताज न रखे जो हुजूर का नाम लेने के लिए उठे। एक बार जरा दिल लगा के हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह बहुत जिंदा लोग बैठे हुए हैं। एक कलाम मैं पेश करने जा रहा हूँ, इसकी लतीफ है या रसूल अल्लाह। नूर भाई, नूर भाई, नूर भाई, और मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ ये हमारे मोहतरम हजरत मौलाना आफताब आलम अमजदी साहब। अल्लाह इनको बहुत बड़ा आलिम बनाए, इनसे दीन का ढेर सारा। इनकी ये मेहनत, मेहनत के दोस्त और अहबाब की ये मेहनत, इनके रफका की ये मेहनत है कि आज इतनी बड़ी महफिल आपके यहाँ मौला हुसैन के जिक्र की सची है, तो बड़ी खुशी की बात है। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ और आप सबको इंशाल्लाह जब या रसूल अल्लाह का लफ्ज आएगा तो इंशाल्लाह सब मिलकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। हुजूर की बारगाह में इस्तगासा पेश कर, पेश कर, पेश कर। गुनाहों से नहीं होता, ये हम सब की तरफ से मैं पेश करता हूँ हुजूर की बारगाह में। गुनाहों से नहीं होता, या रसूल अल्लाह मिल के कहना है इंशाल्लाह। गुनाह से नहीं होता, गुनाह से नहीं होता, तनारा या रसूल अल्लाह। बोलेगा हुजूर का, बोलेगा
हमेशा से दुआ करो कि अल्लाह बहुत जल्दी मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए, है ना। ये जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ है अल्लाह की। हजरत की मौजूदगी है, हजरत को गवाह बनाते हैं। एक शेर में पढ़ता हूं, यार यार ये जो बैठे हैं ना, ये इन्होंने अगर आपके हाथ में दुआ कर दी तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत आपको मदीना जाने से नहीं रोक सकती। बाप कभी अपने बेटे की बात टालता है क्या? ये उनके घर के लोग हैं, इनको गवाह बनाते हैं। एक शेर पढ़ता हूं मैं आप सबके लिए, अल्लाह सबको मदीना जल्दी पहुंचा दे, जल्दी मदीना पहुंचा दे, और आप सबके सत्ते में परवरदिगार मेरी भी हाजिरी बहुत जल्दी मदीने में करा दे। एक शेर पढ़ने जा रहा हूं, सहारा न जाने किस वक्त छिन जाए, न जाने आँख की ये रोशनी किस वक्त छिन जाए। दिखा दो शहर तबाह, दिखा दो शहर तबाह, दिखा दो शेर तबाता नजारा तरीका है नाक सुनने जो इस वक्त बहुत ज्यादा हंगामों की जरूरत नहीं है। अच्छा, दिखावे के लिए तो हुजूर की महफिल सजाया ही जाए, है ना। नात ऐसे पढ़िए और ऐसे सुनिए कि हुजूर की याद आ जाए, फिर तो नात है। एक शेर और पढ़ते हैं, एक बार दिल से कहते हैं, यार 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 हुजूर को पुकारो, हुजूर को, हुजूर को, जरा हाथों को उठा दो, यार मेरा ईमान उसे साहिल पे आया, मेरा ईमान है तूफ़ान उसे साहिल पे आया। भंवर के बीच जिसने भी भंवर के के बीच जिसने भी पुकाराया रसूल अल्लाह, और उसी का सताशा दुख अपना बना लीजिए, वो जिसने आप पर जिसने आप पर उतारा रसूल अल्लाह, जिसने आप पर उतारा रसूल अल्लाह। इसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आपकी समाज बहुत खूबसूरत है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक कलाम मैंने आपको सुना दिया, और पढ़े हम सुनेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बड़े बाज़ौक लोग बैठे हुए हैं। अब करबला की तरफ चलते हैं, चलेंगे इंशाल्लाह हजरत की ज़ियारत कीजिए। एक मतलब पढ़ने जा रहा हूँ और यहीं से आप मुझे बता दीजिए कि मुझे कितनी देर पढ़ना है, बस ये एक मतलब से इंशाल्लाह। दिल की खेतियाँ लहलाने चले, नूर भाई सुनिएगा, दिल की खेतियाँ लहलाने चले, दिन
नहलाने चले सूर पे नबी के फराने चले तेरी सब्र की है तेरी सब्र की है तेरी सब्र की देश सुल्म की एक लम्हे में दर पर उड़ाने चले सब्र की तेज से स्वर्ण की एक लम्हे में घर चले। अच्छा लग रहा है, पढ़े हम या बदल दें? बताइए जल्दी, बताइए जल्दी, बताइए पढ़े कि बताए पढ़े इसको पढ़े 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 दीन की खेतियां लहराने चले सुए कर नबी के चले सुर पर नबी के आने चले और कयामत नबी की अमानत रहे दीन शाह मदीना सलामत रहे कयामत नबी की अमानत इसलिए साथ बाबा के मैदान में इसलिए साथ बाबा के मैदान में नन्हे असगर भी हैं तीर खाने चले इसलिए साथ बाबा के मैदान या रसूल अल्लाह जिंदाबाद अल्लाह पूरा मुहर्रम आपने ना बयान सुना है बयान बयान करबला का एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ जरा सुन के दिखाना है बहुत खूबसूरत शेर आपके दिल पे लगने वाली है और बहुत फख्र की बात है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमको हुसैनी बना के बयान किया है ना अल्लाह से दुआ करो कि मौला इसी ने मौला हुसैन कसम बहुत बड़ी बात है बहुत तौसीफ की बात है। एक शेर सुनाता हूँ आपको सुन के दिखाइए सारी उम्मत कयादत मिली रहम शबीर को जब शहादत मिली सारी उम्मत बस ये तीन शेर मैंने आपको सुनाए एक कलाम की फरमाइश कई बार हो चुकी और मेरा दिल भी चाहता है कि उस कलाम को मैं आपको सुनाऊं। दिल लग रहा है ऐसे नहीं भाई जरा हुसैनियों की तरह यार मुहर्रम का महीना है और आप बेदार लोग बैठे हुए हैं दिल से मौला हुसैन को पुकारिए इन हाथों को मौला अब्बास का परचम बनाइए और लहरा के बोलिए या हुसैन ऐसा नहीं दिल से बोलो या हुसैन और मैं आपसे या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सुनो करबला सुनाने जा रहे हैं दिल थाम के बैठिए और दिल थाम के सुनिए करबला आपको सुनाने जा रहे हैं तड़प हजरत कह रहे यही कलाम मैं भी कहने जा रहा हूं
यार अब एक बार और कह दो या हुसैन, मुकद्दर का सितारा यार बड़ा बुलंद है। सुनो सुनो लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, जबान पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती। अब एक शेर सुनाता हूँ, हजरत की खास तवज्जो, हुजूर मुफ्ती साहब खुला बैठे हैं, दीगर उलमाए किराम की खास तवज्जो के साथ एक शेर आपको सुनाता हूँ। इनकी अज़मत, इनका बहुत शुक्रिया, इनकी मोहब्बत है मेरे साथ वाबस्ता है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बस इन्हीं लोगों की तो दुआएं हैं यार, और मौला हुसैन के जिक्र की बरकत है, खुदा की कसम जो मेरे घर में चूल्हा जल रहा है, वरना हम लोग तो इस लायक हैं। अगर ऐसा होता कि नमाज पढ़ेंगे तब खाना मिलेगा, रोजा रखेंगे तो रोटी मिलेगी, फिर बताओ यार कोई ऐसा बंदा है जो खा पी के जिंदा रह लेता यार, मर जाते हैं। मगर मौला हुसैन की बरकत है, हुजूर के सबके हम खा भी रहे पी भी रहे, अल्लाह ने रिस्क देने का वादा किया है वो पूरा करता है, मगर हम इतने कमीने लोग हैं कि जो अल्लाह से हमने वादा किया वो हम पूरा नहीं करते। अल्लाह सबको नमाज और रोजों की तौफीक अता फरमाए, आमीन। है ना, है ना, है ना।
कड़ा पड़ता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती। सुना दिल से बोलो ना यार, फिर दिल से बोलो। कभी कभी कहते हैं तो जरा बोल दिया करो, मिलके कहो यार हुसैन। तू ही इमाम-ए-ग़म है।
इशारे भी बोलने लग गए, इनके पास तो जबान नहीं है फिर भी ये बोल रहे हैं अल्लाह ने तो आपको जबान दी है, फिर आप खामोश न रहें, दिल से कहें या हुसैन हुसैन कोई भी चलो सलाम करें ऐसे आस्ताने को हुसैन पाल के जिसने दिया जमाना, जिनका जिक्र अभी आप सुन रहे थे उनकी माँ का जिक्र सुनने के लिए तैयार हो जाए। बहुत कम लोग पढ़ते हैं लेकिन लेकिन अल्लाह ने जिस तौफीक दी इस तौफीक की बात करता हूं। हुजूर फरमाते हैं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है और हजरत भी बैठे हुए हैं। कुछ शेर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सुनेंगे इंशाल्लाह हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने उसकी बारगाह पेश करने जा रहा हूं। जरा मोहब्बत से सुनिएगा, हुजूर की सबसे चहीती बेटी चहीती लाडली बेटी हजरत खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा सही है तेरी ज़ात।
चांद और सूरज। हुजूर की बेटी हजरत फातिमा की जब शादी हुई तो हुजूर ने जहेज में बहुत सारा कुछ दिया। हुजूर चाहते तो क्या नहीं दे देते, दोनों आलम के मालिक थे। लेकिन एक चीज जो थी वो थी चक्की। चक्की है ना हजरत फातिमा की चक्की, सबको याद है। एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ और मुझे लगे थे मौला हुसैन के गुलाम यहाँ बैठे हुए हैं, उनके माँ की तारीफ हो रही है। ये सूरज तेरी चक्की के ये चांद ये सूरज तेरी चक्की के है तो है अर्श तेरी घाट। ये चांद ये सूरज तेरी चक्की के है तो है अर्श तेरी घाट। जिसके लिए हुजूर खड़े हो जाते थे आप भी उनके लिए खड़े हो जाते। उठती थी नबुआत तेरी तासीर की खातिर, 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 उठती थी नबुआत तेरी तासीर की खातिर। सीने में ताकत है तो जरा दिल से ताकत मार के बोलिए या हुसैन, और जरा मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। क्या मेरे हसन वाला तेरा टुकड़ा मुझे खटका, क्या मेरे हसन वाला तेरा टुकड़ा मुझे खटका, हुसैन तेरे दर का, क्यों मेरे हसन वाला तेरा टुकड़ा मुझे खटका, सग तेरे दर का, और अब लाजिम है तेरे दर के नकीरें, मखदूम है कौन है सो तमसा से अलीमा तेरे हसने, मखदूम है कौन है सो तमसा से अलीमा तेरे हसने, मखदूम है कौन है। बारगाह में
मैं दुआ करता हूँ मौला मेरे पढ़ने में आप सबके सुनने में अगर किसी किस्म की कोई गलती कोई खामी कोई कोताही कोई गुस्ताखी हुई हो तो मौला हुजूर के सबके हुजूर के नालायक के सबके इसको माफ फरमाए। सब मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।